हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड सेकंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अटैचमेंट की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है शारीरिक स्वास्थ्य एवं व्यायाम, फिजिकल हेल्थ एंड एक्सरसाइज। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कोई भी व्यक्ति यदि स्वयं को शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रखना चाहता है तो व्यायाम उसके लिए बहुत आवश्यक है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति अपने आप को शारीरिक व मानसिक दृष्टि से ठीक रखने हेतु विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है जिसमें उसकी मांसपेशियों की गतिशीलता विशेष रूप से सम्मिलित होती है तो उसे व्यायाम कहा जाता है। कुछ शिक्षाविदों का विचार है कि बिना व्यायाम के शरीर या शारीरिक विकास संभव नहीं हो पाता है। व्यायाम सिर्फ शरीर के लिए ही आवश्यक नहीं है बल्कि मस्तिष्क के लिए भी आवश्यक होता है, क्योंकि व्यायाम द्वारा ही शुद्ध रक्त मस्तिष्क तक पहुंच पाता है। अगर व्यायाम ना किया जाए तो शुद्ध रक्त मस्तिष्क तक पहुँच पाना संभव नहीं होगा। अब हम देखेंगे व्यायाम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। व्यायाम का दो रूपों में विशेष महत्व है, शारीरिक महत्व और शैक्षिक महत्व। शारीरिक महत्व के अंतर्गत आते हैं पोषक महत्व, पोषक तत्व, पोषक महत्व यानी विकासात्मक महत्व और सुधारात्मक महत्व, तथा इसके बाद शैक्षिक महत्व के अंतर्गत आते हैं नेतृत्व का विकास, सहयोग व परोपकार की भावना का विकास, निर्णय शक्ति का विकास तथा संयम व अनुशासन का विकास। व्यायाम करने की दो पद्धतियां प्रचलित हैं जो कि इस प्रकार से हैं, गतिहीन या स्थिर व्यायाम, दूसरी है गतिशील या क्रियाशील व्यायाम। प्रथम प्रोसेस या प्रक्रिया के अंतर्गत शरीर के अंगों को एक निश्चित स्थिति में लाकर कुछ क्षणों तक उस स्थिति में स्थिर रखना होता है, इसी कारण उसे स्थिर व्यायाम कहते हैं। आसन यदि इसी के अंतर्गत, आसन आदि जो होते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरी पद्धति के अंतर्गत व्यायाम के समय शरीर के अवयवों का निश्चित ढंग से संचालन करना होता है, अतः इसे गतिशील व्यायाम कहा जाता है। अब हम देखेंगे व्यायाम के आसन। व्यायाम की क्रियाओं में आसनों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही आसनों का प्रचलन रहा है। आसन की स्थिति में शरीर के आंतरिक अवयवों पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है और उनका व्यायाम होता है। आसनों के अभ्यास में कुछ बातों को ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। किसी आसन की पूर्ण अवस्था तक पहुँचने का एक क्रम होता है। निश्चित क्रम के अनुसार आसन पूर्ण या फिर आसन की पूर्ण अवस्था में पहुंचकर कुछ क्षण रुकना चाहिए, फिर इसी क्रम में पूर्ण अवस्था में वापस आ जाना चाहिए। प्रत्येक आसन की क्रिया के बाद शरीर को शिथिल दशा में छोड़ देना चाहिए जिससे प्रत्येक अंग को विश्राम मिल जाए। आसन लगाने का स्थान स्वच्छ, हवादार व प्रकाशयुक्त होना चाहिए। आसन जमीन पर दरी या कंबल बिछाकर किए जाने चाहिए। आसन करते समय शरीर पर कम से कम ढीले वस्त्र पहनने चाहिए, यानी कि बहुत तंग वस्त्र पहनने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। खाली पेट या हल्के भोजन के उपरांत ही आसन किए जाने चाहिए। एक बार में 5 आसन किए जाएं व इनका चयन इस ढंग से किया जाए कि पूरे शरीर का व्यायाम हो जाए। अब हम देखेंगे व्यायाम क्यों, व्हाई फिजिकल एक्सरसाइज। जैसा कि बताया जा चुका है कि अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हेतु व्यायाम बहुत जरूरी है, परंतु व्यायाम के कुछ अन्य लाभ भी हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन। व्यायाम करने से रक्त परिसंचरण तेजी से होता है, हृदय मजबूत बनता है। रक्त परिसंचरण के अच्छे होने से शरीर स्वस्थ होता है, क्योंकि रक्त ही भोजन के तत्वों को सारे शरीर में पहुंच जाता है। ये बहुत ही जरूरी होता है। रक्त परिसंचरण नहीं होता है तब तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, यानी ठीक तरह से जब नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे श्वसन संस्थान। यह श्वसन क्रिया को तीव्र करते हैं, फलस्वरूप रुधिर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है।
शरीर की उपापचय की क्रिया तीव्र होती है, तापमान पर नियंत्रण रहता है, सांस का क्रम समान रहता है, फेफड़े पुष्ट व मजबूत बनते हैं। इसके साथ साथ मानसिक इच्छा शक्ति भी बढ़ती है और बहुत से लाभ इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे पाचन संस्थान, डाइजेस्टिव सिस्टम। व्यायाम का पाचन संस्थान व पाचन क्रिया पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, भूख बढ़ती है, भोजन करने में आनंद आता है, आंखों पर मालिश करने से आंखें मजबूत बनती हैं तथा मल विसर्जन सही ढंग से होता है। आमाशय यकृत आंतों आदि की ये कार्य कुशलता में वृद्धि करता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्सर्जी संस्थान। व्यायाम का उत्सर्जी संस्थान पर बहुत प्रभाव पड़ता है, आंतों की मालिश होने से जहाँ मल विसर्जन ठीक प्रकार से होता है वहीं कब्ज भी दूर होती है। जैसे कि विषैले पदार्थ जो होते हैं गुर्दों द्वारा विषैले पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को बाहर निकाला जाता है। व्यायाम से त्वचा पर पसीना आता है जिससे शरीर के अंदर बनने वाले जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं जैसे लवण या अनावश्यक पानी बाहर निकलता है। फेफड़े व्यायाम से अधिक फैलते हैं जिससे शुद्ध वायु ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है व दूषित वायु यानी कि CO2 वायु श्वसन द्वारा बाहर निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे समय का सदुपयोग व मानसिक स्वास्थ्य, प्रॉपर यूज ऑफ टाइम एंड मेंटल हेल्थ। व्यायाम व खेलों से फालतू समय का सदुपयोग होता है, यानी कि जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारा उसमें समय प्रयोग होता है, खेल में भी काफ़ी समय हम व्यतीत करते हैं तो इससे क्या है कि जो हमारा विकास समय चला जाता है जिसमें कि हम खाली बैठे रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं या गाने सुनते रहते हैं तो उस समय का प्रयोग हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हो जाता है तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा विकसित होता है। मानसिक कार्य करते समय जब छात्र या बच्चे को मानसिक थकान होती है व सीखने में पठार उत्पन्न हो जाता है तो इस मानसिक थकान व पठार को दूर करने हेतु कुछ छात्र घूमने व खेलने चले जाते हैं। कुछ देर घूमने खेलने या फिर व्यायाम करने के बाद पुनः मानसिक कार्य करने हेतु तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार सीखने का पठार दूर हो जाता है व मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाता है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि लगातार एक ही काम करने से मन भी ऊब जाता है और मन ऊब जाने से हम जो ग्रहण करना चाहते हैं वह ग्रहण नहीं हो पाता है। अतः कुछ समय हम खेलने कूदने में व्यतीत कर लेते हैं तो एक तरह से ये थकान नहीं होती बल्कि एनर्जी आ जाती है और हम कार्य में फिर से संलग्न हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे जो कि लिखा हुआ नहीं है, विभिन्न गुणों का विकास भी होता है, इससे डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज। खेलना व घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम होता है जिससे मनुष्य के अंदर सहयोग, सहृदयता, सहनशीलता, आत्मसंयम, मित्रता, अनुशासन जैसे गुणों का विकास होता है। अतः व्यक्ति के लिए व्यायाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। व्यायाम के कुछ नियम होते हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। जैसे व्यायाम से पूर्ण लाभ तभी मिल सकता है जबकि उसके संबंधित नियमों व सावधानियों को ध्यान में रखा जाए। जो कुछ जो हमने अभी तक चर्चा की है उसके बाद हम नियम देखेंगे कि हमें कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए। व्यायाम धीरे धीरे सरलता से कठिनता की ओर उन्मुख होना चाहिए। व्यायाम जो है कठिन व्यायाम प्रारंभ में नहीं करने चाहिए। कोई भी काम जो कठिन होता है वो पहले नहीं करना चाहिए, भले ही वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, व्यायाम का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, सरलता से कठिनता की ओर बढ़ना चाहिए। प्रारंभ में बहुत अधिक देर तक व्यायाम नहीं करना चाहिए, परंतु व्यायाम का समय धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। व्यायाम करते समय व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए व्यायाम उसकी आयु और लिंग पर भी निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यायाम किसी भी बालक को करने दिया जाए, इससे बालक पर बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है क्योंकि बड़ी आयु में जो व्यायाम किया जा सकता है बालक को नहीं कराया जाना चाहिए क्योंकि उसकी हड्डियाँ कोमल होती हैं। व्यायाम करते समय ऋतु का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी भी रोग से ग्रस्त व्यक्ति जैसे हृदय रोग से कोई भी व्यक्ति ग्रस्त हो या जोड़ों के दर्द से ग्रस्त हो
तो उसे डॉक्टर से सलाह लेकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की हड्डियाँ कमजोर हैं और ऐसे कठिन व्यायाम करने लगे तो उस पर बहुत गलत प्रभाव पड़ सकता है। जुकाम शारीरिक अस्वस्थता व संक्रामक रोगों की वजह से अवस्था में व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम से पूर्व कुछ खाना नहीं चाहिए। व्यायाम के थोड़ी देर बाद स्नान अवश्य ही किया जाना चाहिए। यहाँ जो पॉइंट आया था व्यायाम से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि आंखों पर भी जो प्रभाव पड़ता है अगर हम पेट में कुछ खा लेंगे तो उसका प्रभाव गलत पड़ेगा। अतः व्यायाम से पहले कुछ खाना नहीं चाहिए। कुपोषित छात्रों को शारीरिक व्यायाम अधिक नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनका भार घट जाता है। व्यायाम हल्का हो व खाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। बालक व बालिकाओं के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायाम होने चाहिए। व्यायाम का संबंध उन्हीं दशाओं में व्यायाम से भी होता है जैसे सेना में कार्यरत व्यक्तियों का व्यायाम सामान्य व्यक्ति के व्यायाम से भिन्नता लिए रहता है। शरीर के भाव के अनुसार भी व्यायाम का चयन हो। मोटे व्यक्ति को वह व्यायाम कराए जाएं जिनसे उनका भार घट जाए व पतले व्यक्तियों को ऐसे व्यायाम कराए जाएं जिससे कि उनका भार बढ़े। इस प्रकार से व्यायाम का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है और प्रतिदिन के जो नियम बनाए हैं रूल्स बनाए हैं हमें व्यायाम का भी उसमें समय निकालना चाहिए। स्कूल में अगर आप टीचर हैं तो बच्चों के लिए प्रतिदिन व्यायाम कराना चाहिए और बच्चों के साथ साथ सभी टीचर्स को भी करना चाहिए। इससे क्या है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा मानसिक हमारी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहती है, हमारी याददाश्त बढ़ती है और हम बहुत से कार्य आसानी से कर सकते हैं। आज हमने व्यायाम शारीरिक स्वास्थ्य और व्यायाम के विषय में समझा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें।